अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चॉकलेट का एक यूनिक डेज़र्ट बनाने की रेसिपी। आप इसका कंपैरिजन चॉकलेट केक से कर सकते हैं, लेकिन ये केक भी नहीं है, क्योंकि ना तो इसमें स्पंज बनने वाला है और ना ही किसी तरह की बेकिंग होने वाली है। और फिर भी आप देखेंगे आपका ये डेज़र्ट जो है चॉकलेट केक की टक्कर का होगा, या ये बोले कि ये उससे भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा और बहुत ही आसानी से मिनटों में बन जाता है। तो चलिए देखते हैं इस मज़ेदार और आसान चॉकलेट डेज़र्ट को हम किस तरह से बनाएंगे। तो इस डेज़र्ट को बनाने के लिए 4 टेबल स्पून मैंने लिया हुआ है कोको पाउडर, और यहाँ पर 4 टेबल स्पून ही मैंने कॉर्नफ्लावर लिया, या फिर आप अरारोट ले लीजिएगा। अब हमें इन दोनों का एक घोल बना लेना है। तो 1/3 कप दूध हम दोनों में डालेंगे, 1/3 कप कॉर्नफ्लावर में और 1/3 कप कोको पाउडर में, और इन दोनों का एक स्मूथ घोल बना लेंगे। यहाँ पर जो हम दूध इस्तेमाल करने वाले हैं उसी दूध में से मैंने ये 2 पोर्शंस लिए हुए हैं, तो इसको अच्छे से घोल लेते हैं। तो अच्छे से इसको घोल लेंगे ताकि किसी भी तरह की गांठ ना रह जाए दोनों में। इसके अलावा हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स और चाहिए हैं। इसमें 1 टेबल स्पून मक्खन लेंगे, और 3/4 कप मैंने यहाँ पर शक्कर ली है, लेकिन आपको कम मिठास पसंद हो तो आप 1/2 कप शक्कर लीजिएगा। 4 मैंने यहाँ पर चीज़ के स्लाइसेस लिए हुए हैं, आप इसकी जगह पर चीज़ स्प्रेड या फिर चीज़ क्रीम यूज़ कर सकते हैं। और 250 ग्राम मैंने लिया है डार्क चॉकलेट कंपाउंड। इसको हमें 2 हिस्सों में इस्तेमाल करना है, 2 पोर्शंस में हमें इसको यूज़ करना है। तो हम इसके 2 हिस्से कर लेंगे, यानी कि इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। और हमें बिस्किट्स चाहिए हैं, तो मैंने यहाँ पर नाइस टाइम के बिस्किट लिए हुए हैं। आप कोई से भी बिस्किट्स ले सकते हैं, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके बिस्किट्स मीठे नहीं होने चाहिए। तो तकरीबन 2.5 पैकेट बिस्किट्स के लग जाएंगे, और ये 1 पैकेट जो है ये 25 रुपये का आता है इंडिया में। यहाँ पर मैंने 3 कप दूध लिया है, जिसको कि मैंने हाई फ्लेम पर उबाल लिया है। इसी दूध में से मैंने कॉर्नफ्लावर और कोको पाउडर की स्लरी बनाई थी। जब दूध में उबाल आ जाएगा तब हम इसमें कोको पाउडर का घोल डाल देंगे, अच्छे से मिला देंगे। गैस की फ्लेम को लो और मीडियम के बीच कर देंगे, और अब हमें इसमें डार्क चॉकलेट कंपाउंड डाल देना है। तो जितना हमने लिया था उसका आधा हिस्सा यहाँ डालेंगे, आधा बाद में यूज़ करेंगे, और इसको अच्छे से मिलाएंगे जब तक कि इसमें अच्छे से घुल नहीं जाता है। जब चॉकलेट कंपाउंड अच्छे से इसमें डिजोल्व हो जाएगा तब हम इसमें कॉर्नफ्लावर की स्लरी डाल देंगे। एक हाथ से डालते जाएंगे और दूसरे हाथ से चलाते जाएंगे ताकि इसमें किसी तरह का कोई लंप ना बने। और अब हम इसमें शक्कर डाल देंगे और इसको भी मिला देंगे। साथ में डालेंगे बटर यानी कि मक्खन। यहाँ पर मैं सॉल्टेड मक्खन यूज़ कर रही हूँ, आप अनसॉल्टेड भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से इन सबको मिला देंगे इसके अंदर, और लो फ्लेम पर 1.5 से 2 मिनट पकाएंगे। और अब लास्ट में हम इसमें चीज़ स्लाइसेस डाल देंगे। आप यहाँ पर क्रीम चीज़ या फिर चीज़ स्प्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, 1/3 कप के करीब आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, नहीं डालना चाहते हैं तो मत डालिएगा, लेकिन डालेंगे तो टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है, टेस्ट बढ़ जाता है। जब चीज़ इसमें अच्छे से घुल जाएगी तब हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है, और अब इस मिक्सचर को 10-15 मिनट के लिए हमें ठंडा होने के लिए रख देना है। बहुत ज़्यादा ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलेंगे। इस दरमियान हम एक पैन लेंगे और इसमें 3/4 कप व्हिपिंग क्रीम ले लें या फिर फ्रेश क्रीम ले लें, वो डाल देंगे। और जो चॉकलेट कंपाउंड हमने बचा लिया था आधा, वो हम इसमें डाल देंगे, और इसको जब तक पका लेंगे जब तक इसमें चॉकलेट ठीक से घुल नहीं जाती है। फ्लेम पर मैंने इसको जब तक पका लिया जब तक चॉकलेट कंपाउंड इसमें अच्छे से घुल नहीं गया। अब हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देना है। अब यहाँ पर मैंने एक डिश ले ली है जिसमें हमें इस डेजर्ट को सर्व करना है, और ये मैंने 1/2 कप दूध ले लिया है नॉर्मल टेम्परेचर का और उबला हुआ। दूध गर्म मत लीजिएगा, ठंडा ले सकते हैं। और जो हमने बिस्किट लिए हैं वो हमें इसमें डिप कर करके इस डिश में अरेंज करते जाने हैं इस तरह से। और अब हमने जो दूध का जो मिक्सचर बनाया था कॉर्नफ्लावर और कोको पाउडर वगैरह डाल के, वो हमें इसके ऊपर एक लेयर इसकी अरेंज कर देनी है इस तरह से। बहुत मोटी लेयर नहीं डालेंगे, एक थोड़ी पतली लेयर इसके ऊपर डालेंगे और इसको स्मूथ कर लेंगे स्पैचुला से। और फिर से हम इसके ऊपर बिस्किट की लेयर लगाएंगे। तो दूध में डिप कर करके दूसरी लेयर हम इसके ऊपर अरेंज कर देंगे, और फिर से हम इसके ऊपर जो हमने पुडिंग बनाई है वो डाल देंगे।
और फिर से हमें इसके ऊपर बिस्किट की लेयर अरेंज करनी है। तो इस तरह से मैंने बिस्किट्स को अरेंज कर लिया। अब हम इसके ऊपर लास्ट लेयर पुडिंग की डाल देंगे। अगर आपकी पुडिंग बच जाती है तो इसके ऊपर फिर से बिस्किट की लेयर लगा के पुडिंग डाल सकते हैं। अब हमने जो चॉकलेट की फ्रॉस्टिंग बनाई है वो हमें इसके ऊपर पोर कर देनी है। तो अभी ये थोड़ी गर्म ही है, लेकिन आप गर्म भी पोर कर सकते हैं। और इसको हम सेट कर देंगे अच्छे से। और मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बिस्किट्स का चूरा डाल रही हूँ। चूरा डालकर मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी। आप जैसा चाहें वैसे इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से रैंडमली मैंने इसको डेकोरेट कर लिया है। और अब हमें इसको कम से कम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है, एकदम ठंडा होने के लिए। जब ये बिल्कुल चिल्ड हो जाएगा तब इसको सर्व करेंगे। फ्रीज़र में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 2 से 3 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था और अब ये बिल्कुल चिल्ड है। ये जो डेजर्ट है ये ठंडा ही अच्छा लगता है, तो इसको खूब ठंडा करके ही सर्व करिएगा। और आप देख सकते हैं ये कितना टेम्पटिंग लग रहा है, बहुत टेस्टी डेजर्ट बना है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। थैंक यू।